हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों यदि आपके मोबाइल फोन से दोस्तों फोटो डिलीट हो गया है, वीडियो डिलीट हो गया है, तो दोस्तों आप उसे रिकवर कैसे करोगे, दोस्तों आप दोबारा से उसे अपने फोन के अंदर वापस कैसे ले आओगे। दोस्तों आपके मोबाइल फोन के अंदर जो फोटो वीडियो है ना दोस्तों, एक महीना पहले डिलीट हुआ हो, दो महीना पहले, या फिर दोस्तों दो साल पहले, या फिर दोस्तों दस साल पहले, पांच साल पहले, छह महीना पहले, दो दिन पहले, चार दिन पहले ही दोस्तों क्यों ना डिलीट हुआ हो, दोस्तों आप उसे इजिली चुटकियों में रिकवर कर पाओ। बट दोस्तों क्या है ना कि तरीका आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं लाइव दोस्तों डिलीट करके भी दिखाऊंगा, और दोस्तों इसके बाद मैं आपको उसे रिकवर करके भी दिखाऊंगा। यहां पे दोस्तों मैं कुछ फोटो को यहां से डिलीट कर रहा हूं, और दोस्तों आपको यहां पे मैं रिकवर करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे करना क्या है, दोस्तों आपका यदि दोस्तों अपने मोबाइल फोन से दोस्तों डिलीट फोटो वीडियो हो गया है, तो दोस्तों रिकवर करने के लिए वही आपका फोन चाहिए, जिस फोन से दोस्तों फोटो डिलीट हुआ है दोस्तों वही आपका फोन चाहिए रिकवर करने के लिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे यदि आपके मोबाइल फोन से दोस्तों कोई फोटो वीडियो डिलीट हो जाता है, जैसे कि मान लो दोस्तों आपका वो फोटो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएफ का फोटो है, या फिर दोस्तों घर परिवार का फोटो है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है दोस्तों, फोटो जो है ना गलती से भी डिलीट हो जाता है, या दोस्तों फिर कोई बंदा जानबूझकर भी डिलीट कर देता है, या फिर दोस्तों कई बार आपके घर परिवार में दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना, उनसे दोस्तों फोन छेड़छाड़ करते वक्त फोटो वीडियो इंपॉर्टेंट डिलीट हो जाते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप उन्हें चुटकियों में रिकवर कर सकते हो। दोस्तों क्या है कि सबसे पहले आप करते क्या होगी दोस्तों, आप YouTube पर जाते हो और दोस्तों यहाँ पे सर्च करते हो डिलीट फोटो को वापस कैसे ले आए, डिलीट फोटो रिकवरी, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे दोस्तों प्ले स्टोर पर जाते हो, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे अपने मोबाइल फोन के अंदर दोस्तों प्ले स्टोर पर जाते हो और यहाँ पे दोस्तों आप सर्च करते हो डिलीट फोटो रिकवरी। बट दोस्तों यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है ना दोस्तों, सारी की सारी फेक हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई भी, गारंटी देता हूँ दोस्तों, कोई भी यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ना दोस्तों, वो आपके फोटो को वीडियो को रिकवर करके नहीं देगा, गारंटी है दोस्तों। यदि दोस्तों मान लो आपका 100 फोटो डिलीट है, तो दोस्तों उसमें से एक आध आ भी गए, तो दोस्तों बाकी आपको इतने आपके फोन के अंदर जो भी फोटो है ना, वो सारे के सारे वही फोटो दिखाते हैं। अब उनमें से दोस्तों जैसे कि 10,000-20,000 फोटो है, उनमें से दोस्तों आपको एक एक फोटो को दोस्तों ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, जैसे कि मान लो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने फोन के अंदर दोस्तों एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, दोस्तों यहाँ पे उसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे दोस्तों मान लो आप YouTube पे भी दोस्तों जाते हो, तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना दोस्तों, सर्च करते हो यहाँ पे, तो दोस्तों बहुत सारी जो वीडियो मिल जाती हैं। बट दोस्तों इसके अंदर जो एप्लीकेशन बताया जाता है ना, वो दोस्तों काम नहीं करता, ये सारा का सारा दोस्तों जितना भी वीडियो है ना दोस्तों काम नहीं करता है। और दोस्तों इस पर आप देखोगे तो दोस्तों बहुत अच्छा खासा व्यूज भी है दोस्तों, मिलियंस में व्यूज है, दोस्तों ये काम नहीं करता है। हो सकता है दोस्तों इन्होंने जिस समय बताया था, जिस समय वीडियो बनाया था, उस समय तरीका काम कर रहा था, बट दोस्तों ये फेल हो चुका है। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं दोस्तों एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि दोस्तों फेल नहीं होने वाला है, गारंटेड दोस्तों हमेशा ही वो काम करने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है ना, मैं सबसे पहले तो उसे ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने अभी अभी फोटो आपको दिखाया डिलीट करके, वो रिकवर होता है कि नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे रिकवर पे फर्स्ट टाइम इसे यूज करोगे, एक एप्लीकेशन है दोस्तों जो कि दोस्तों मैं यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यदि दोस्तों करेगा, वर्क करेगा, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इसे इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, अदरवाइज दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्टोर डिलीटेड फोटो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके फोन के अंदर जो डिलीटेड फाइल होंगे ना दोस्तों, उसे ये फाउंड करेगा, और दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्कैन करके 694 फोटो को दोस्तों, डिलीटेड फोटो को, फाइल को यहाँ पे फाउंड किया है, जो कि दोस्तों यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपके सामने हो सकता है एक छोटा सा एड भी आए, जो कि दोस्तों आपको कट कर देना है। अब दोस्तों मैंने इस एड को कट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैंने फोटो डिलीट किया था दोस्तों, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दोस्तों वो फोटो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों वो जो अभी मैंने करंट में दोस्तों जो फोटो डिलीट किया है, या दोस्तों मैंने दो दिन पहले, या फिर दोस्तों एक महीने जो फोटो डिलीट पहले किया था दोस्तों, यहाँ पे वो फोटो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। एक फोटो है दोस्तों जो कि दोस्तों यहाँ पे ये दिख रहा है, जिसे दोस्तों मैं रिकवर कर सकता हूँ। यहाँ से दोस्तों रीस्टोर न्यू पे क्लिक करना है,
और आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि नो थैंक्स आपको कर देना है। ये फोटो दोस्तों रिकवर रीस्टोर हो चुका है, यहाँ पे क्लिक करोगे सेलेक्ट करके और दोस्तों यहाँ से रीस्टोर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक फोटो सिर्फ, मैंने दोस्तों कई सारे फोटो डिलीट किए हैं बट दोस्तों यहाँ पे ढूंढने में दोस्तों इतने मगजमारी है ना दोस्तों, आप ढूंढ नहीं पाओगे, इतने इतने ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे फोटो दिए गए हैं यहाँ पे। और दोस्तों एक चीज और है कि इसके अंदर आपका दोस्तों सारा फोटो यहाँ पे आपके फोन के अंदर जितने भी फोटो होंगे वो दोस्तों सारा का सारा दिखाएगा और दोस्तों उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों ये फालतू की एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों बकवास से किसी भी काम की नहीं है, आपको इन सब को यूज करना ही नहीं है। यदि दोस्तों आपको यूज करना है तो दोस्तों यदि आपको सच में आपको अपने फोन से दोस्तों डिलीटेड फोटो वीडियो को वापस ले आना है तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, दो तरीका अब आपको आजमाना है। हो सके तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, सारी पोल खुल जाएगी। अब आपको दोस्तों आपके फोन के अंदर, आज के समय में दोस्तों आपके फोन के अंदर दो ऐप दिए गए होते हैं, फोटो और फोटोस, ये गूगल का है, ये हैंडसेट का है। तो दोस्तों दोनों के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों जो हैंडसेट का यहाँ पे दोस्तों जो फोटो वाला यहाँ पे ऐप है ना दोस्तों, इसके अंदर एल्बम के अंदर जाओगे और दोस्तों यहाँ पे नीचे आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा रिसेंटली डिलीटेड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रिसेंटली यहाँ पे चार फोटो वीडियो को डिलीट किया है और दोस्तों यहाँ पे मैं इसे बैक कर देता हूँ, एक बार बैक करता हूँ और दोस्तों जो गूगल वाला जो फोटो है ना यहाँ पे जाता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों लाइब्रेरी के अंदर जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे एक ऊपर में ही आपको ट्रेस का बटन मिलेगा जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी देखोगे तो चार यहाँ पे फोटो वीडियो जो मैंने डिलीट किए हैं वो दिख रहे हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि दोस्तों जो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 10 साल पहले, 6 महीना पहले, 2 साल पहले का रिकवर हो जाएगा फोटो, दोस्तों वो होगा बट दोस्तों उसके लिए आपको एक कंडीशन है कि दोस्तों आपको पेड वर्जन की तरफ जाना है, उसके लिए दोस्तों पैसे लगेंगे, उसको दोस्तों आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी डिलीट फोटो वीडियो को वापस ले आने के लिए, दोस्तों किसी सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो कि वंडर शेयर, टेनोर शेयर का दोस्तों सॉफ्टवेयर आता है जो कि दोस्तों आपको परचेज करना होगा और दोस्तों उसके लिए आपको लैपटॉप पीसी की जरूरत पड़ेगी। बट दोस्तों यदि आपका फोटो 2 महीना पहले 1 महीना पहले डिलीट हुआ है तो दोस्तों आप अपने फोन से ही दोस्तों आप उसे इजीली रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको फोटो डिलीट किया है देख सकते हो, ये दोस्तों गूगल वाला फाइल है, यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों यदि आपका 60 दिन के अंदर कोई फोटो डिलीट हुआ है और दोस्तों 60 दिन के अंदर आप उसे रिकवर कर सकते हो, यहाँ पे ये दिख रहा है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जो आपके हैंडसेट का दोस्तों जो फाइल है, जो ऐप है फोटो वाला, उसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पे जाओगे रिसेंटली डिलीटेड तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा गया है दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों आप 30 से 60 दिन के अंदर यानी कि दोस्तों 1 से 2 महीने के अंदर का डिलीटेड फोटो वीडियो को दोस्तों आप चुटकियों में रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों देखिए जितनी भी फोटो है दोस्तों मैं इन्हें यहाँ पे 2 फोटो को छोड़ देता हूँ ताकि दोस्तों मैं उस ऐप के अंदर रिकवर करके दिखाऊंगा। यहाँ से दोस्तों परमानेंटली डिलीट कर दोगे तो दोस्तों कभी भी रिकवर नहीं होगा बट दोस्तों यहाँ पे 2 फोटो मैंने सेलेक्ट किया है जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, टू यहाँ पे रीस्टोर टू आइटम, यहाँ पे इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देख सकते हो कि यहाँ पे रीस्टोर का यहाँ पे बटन आ गया है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये फोटो रिकवर हो चुका है, वापस से दोस्तों ये जो फोटो है ना अपनी लोकेशन पे सेफ जगह पहुँच गया होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इस फोटो को डिलीट मारा था। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अब आपको गूगल वाला जो ऐप है ना दोस्तों वहाँ से अब आपको रिकवर करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने 2 को तो रिकवर कर लिया, रिस्टोर कर लिया, अब बाकी 2 बचे हैं, मैं इन्हें भी दोस्तों यहाँ पे मार्क करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिस्टोर का बटन आता है और यहाँ पे डिलीट का, यदि आप डिलीट कर दोगे तो दोस्तों परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो दोस्तों हमेशा के लिए आपका जो फोटो है ना ये रिकवर हो जाएगा, अपनी वापस से उसी लोकेशन पे चला जाएगा। बाकी दोस्तों जितनी भी वीडियो देखोगे ना, जितनी भी एप्लीकेशन यूज करो, बकवास है दोस्तों, किसी भी काम का नहीं है, जो दोस्तों दावा करता है कि डिलीटेड फोटो वीडियो को वापस ले आ देंगे बट दोस्तों आएगा लेकिन एक कंडीशन है, वही जो मैंने आपको बताया, पेड सॉफ्टवेयर, पेड वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चार्ज करने होंगे जो कि दोस्तों टेनोर शेयर है, वंडर शेयर है जो कि उनका सॉफ्टवेयर आता है, और भी बहुत सारी दोस्तों हजारों सॉफ्टवेयर है जो कि दोस्तों पैसे लगेंगे, आपको खरीदना पड़ेगा। बट दोस्तों यदि आपको फ्री में यदि आपको अपने फोटो वीडियो को रिकवर करना है तो दोस्तों बस यही 2 ऐप है और दोस्तों यही 2 तरीका है, आपको एल्बम के अंदर जाने हैं, रिसेंटली डिलीटेड के अंदर जाने हैं, यदि आप अपने फोन के हैंडसेट के अंदर वाला जो ऐप यूज कर रहे हो तो यदि दोस्तों गूगल वाला ऐप यूज कर रहे हो फोटो का तो दोस्तों आपको यहाँ पे जाने हैं लाइब्रेरी के अंदर,
यहाँ पे ट्रेस के अंदर जाना है और दोस्तों यहाँ पे वो फोटो दिखेगा जो डिलीट आपने किया था और यहाँ से दोस्तों चुटकियों में रिकवर होगा। तो दोस्तों जो सच्चाई है वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपको झूठा मूठा आपको दिखाना होता तो दोस्तों मैं जैसे तैसे करके आपको दिखा देता और आप दोस्तों विश्वास भी कर लेते, बट दोस्तों जो रियलिटी है जो सच्चाई है मैंने आपके साथ शेयर किया है। और दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाई होंगे इस वीडियो को देखने के बाद और दोस्तों फालतू का आप ऐप यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि दोस्तों ऐसी हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों किसी एक और न्यू कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।